हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा था और मैंने आपको 25 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। आज की वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा हमसे कहा गया है ए बी सी, यहां पर तीन वेक्टर का नाम लिया गया है जिसमें एक वेक्टर ये है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। आर नॉन जीरो को प्लेनर वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर नॉन जीरो हैं और को प्लेनर वेक्टर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां के अंदर नॉन जीरो एंड को प्लेनर वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट सी क्या होगा? बेटा यहां पर क्या कहा गया है, सपोज करिए यहां पर ए वेक्टर और यहां पर दूसरा नाम जो लिया गया है वेक्टर बी, ये दोनों नॉन जीरो, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अगर दो वेक्टर का बच्चों डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये बात पक्का हो जाता है कि इनके बीच में एंगल अगर देखा जाए कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो सिंपल सी बात है 90 डिग्री होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब एंगल का 90 डिग्री होना। अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो आ सकता है दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री। दूसरी खास बात ये, यहां पर हमको कहा गया बी डॉट सी, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, यहां से भी ये बात प्रूव होके आता है कि जैसे यहां से आया था उसी तरह यहां से बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहां पे खास बात ध्यान देना है, को प्लेनर है ये दोनों वेक्टर, दोनों या तीनों का लीजिए, को प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। अगर बच्चों में समझाने के लिए, समझने के लिए यहां पर वेक्टर ए को बनाता हूं तो वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ऐसे करके बच्चों यहां परपेंडिकुलर है, ये रहा वेक्टर बी। ओके, यहां पर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री यहां के अंदर होगा। सवाल है बी और सी के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, बी और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो सी या तो यहां हो सकता है, सी बच्चों मैं आपको दिखाऊं, सी वेक्टर हमारा जो है वो या तो यहां हो सकता है या फिर यहां नहीं होगा तो यहां होगा। बी और सी के बीच एंगल 90 डिग्री होना है तो वेक्टर सी या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता, दोनों में से कोई एक जगह होगा, ये बात पक्का है। क्यों यहां क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि ये बी और सी ये तीनों कोप्लेनर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सी को बी के परपेंडिकुलर ऐसे एज्यूम करूं तो यहां पर एक कोप्लेनर की कंडीशन खत्म हो जाएगी, ये बी सी कोप्लेनर नहीं रह जाएंगे। कोप्लेनर इनको करना है, कोप्लेनर हो, कोप्लेनर ए बी सी है और बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो या तो सी की पोजीशन यहां होगी या तो यहां होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट सी हमारे पास जो है, ए डॉट सी इसकी वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए जाता हूं तो आ जाएगा एसी कॉस 0 डिग्री, यानी कि एसी के बराबर यहां से देखा तो। अगर सी यहां है तो ऐसे कंडीशन में ए डॉट सी की वैल्यू होगी एसी कॉस 180 डिग्री, यानी कि माइनस एसी। सब मिला जुला के उसने कहा है बेटा ए डॉट सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए डॉट सी का मैग्नीट्यूड यहां के अंदर बच्चों मैग्नीट्यूड मॉडुलस अगर लगा दिया तो सिंपली इसको हम लिखेंगे ए सी। हर हाल में ए डॉट सी का मैग्नीट्यूड यहां ए इंटू सी के बराबर आएगा और इस तरह से जो करेक्ट चॉइस यहां के लिए होगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों ये सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज जीरो इफ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, ए डॉट बी को मैं सॉल्व करूंगा और जीरो आए। ए डॉट बी का मतलब हुआ बच्चों ए बी
ए डॉट बी का मतलब हुआ ए बी कॉस थीटा, यानी तीन चीजों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमें जीरो मिल रहा है। ये तब पॉसिबल है जब ये जीरो हो, या हो सकता है बी जीरो हो, या हो सकता है बच्चों कॉस थीटा जीरो हो। कॉस थीटा जीरो हो मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आया तो या तो उसमें से कोई एक जीरो वेक्टर होगा, या दोनों जीरो वेक्टर होंगे तो भी ऐसा होगा, या फिर यहां दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा होगा, यहां पर कोई ना कोई कंडीशन मैच करेगा। तो ऑप्शन पे जाते हैं, पहला कह रहा है कि ये इज नल वेक्टर एंड बी इज प्रॉपर वेक्टर। कह रहा है ये हमारा नल वेक्टर हो, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर हो, बी प्रॉपर वेक्टर हो। यस सर, अगर ये नल वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। अगला कह रहा है ये वेक्टर इज प्रॉपर वेक्टर, बी वेक्टर इज नल वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर बेटा अगर नल वेक्टर हुआ यानी जीरो वेक्टर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगला हमसे कह रहा है ए एंड बी आर प्रॉपर वेक्टर, यानी नॉन जीरो वेक्टर हो, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल, मैंने बताया कि अगर परपेंडिकुलर का केस आता है तो भी बच्चों यहां डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। All of the above, ये सबसे सही हो गया यहाँ, क्योंकि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो गया all of the above, ठीक है। ये था बच्चों सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 27 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया सवाल नंबर 28 बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है दो वेक्टर दिया है बेटा, कुछ इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, और अगला वेक्टर ये कह रहा है ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। बेटा दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होने का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, टू टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट के जगह पर हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा, यहां के अंदर मैं लिख रहा हूं, यहां के अंदर बेटा मैंने लिखा टू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस के कैप, ऐसे डिवाइडेड बाई बच्चों यहां के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 5 प्लस ऑफ लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, इसका बच्चों क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। कहां से, दूसरे वाले वेक्टर से। सेकंड वेक्टर हमारे पास है बच्चों आई कैप माइनस टू टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे करके है, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 14, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर्स, वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। अब देखो न्यूमरेटर में जाते हैं, टू आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हो गया 2 × 1, ठीक है। लैम्डा का माइनस टू से, तो यहां आ जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ लैम्डा। के का मीन्स 1 का 3 से, तो यहां के अंदर हो गया बच्चों 3। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी आए, स्क्वायर रूट के अंदर 14 टू दिस, जो भी आए बेटा यहां के अंदर उससे मतलब हमारा नहीं है। यहां न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो आएगा ही मल्टीप्लाई करने पर, व्हाटएवर। यहां इक्वल टू जीरो हो गया, यहां के अंदर समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू जीरो, इट मीन्स यहाँ के अंदर ये जो समथिंग है मीन्स टू माइनस टू लेमडा प्लस ऑफ थ्री, दिस मच शुड बी जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स बेटा यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ लेमडा, इधर प्लस फाइव उधर हो गया माइनस फाइव, यानी लेमडा की वैल्यू बच्चों हो गया 5/2। ऑप्शन पे जाते हैं तो 5/2 मुझे यहां चमकता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी 5/2, ठीक है। ओके बेटा, ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज आर। यहाँ पे दो वेक्टर जो एक दूसरे से 150 डिग्री पर हैं, उनका रिजल्टेंट R है। बहुत बढ़िया।
कहा गया इफ आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू, अगर वेक्टर आर क्यू के परपेंडिकुलर है तो सर आप मुझे ये बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू, देखो बेटा पी और क्यू दो वेक्टर हैं, पी और क्यू दो वेक्टर हैं, जैसे ये वेक्टर रहा क्यू और एक वेक्टर है रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है सवाल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर क्यू के कैसे है, परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर एंगल क्या रहा होगा 90 डिग्री। दो वेक्टर पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, क्यू यहां है, रिजल्टेंट यहां है, तो ये बात पक्का हो जाता है कि वेक्टर पी हमारा यहां कहीं इस तरह से रहा होगा। ठीक है बेटा, वेक्टर हमारे पास जो यहां पर आया वेक्टर पी जिसको मैं कह रहा हूं डेफिनेटली ऐसे कहीं वो रहा होगा, इस तरह से एग्जिस्ट किया होगा। अब सब लोग देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट कराऊं तो कहानी कुछ ऐसे होगा, यहां पर पैरेललोग्राम के स्ट्रक्चर में इसको ढालने का प्रयास करूं तो कहानी कुछ इस तरह से होगा, सम व्हाट लाइक दिस। देखो ध्यान से, ये बेटा आर है ये क्यू है, तो दिस इज पी, यहां के अंदर ये पी हो गया। हमसे पूछा है कि सर यहां के अंदर बताइए वेक्टर पी क्या होगा, जबकि हमको ये बताया गया है कि पी और क्यू के बीच में एंगल कितना हो 150 डिग्री। बेटा यहां से लेकर ये पूरा एंगल 150 है, 90 अगर इधर निकल गया तो यहां के अंदर कितना बचेगा, यहां के अंदर बच्चों बच जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहां पर आ गया 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, सब लोग देखो, सब लोग सीखो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो, समझे। यहां के अंदर बच्चों अगर मुझे निकालना है पी क्या होगा और आर के टर्म में या क्यू के टर्म में निकालना, तो पहले आर के टर्म में निकालने का प्रयास करते हैं। अगर यहां पर इस ट्राइंगल में मैं ले लू टेन 60 डिग्री, टेन नहीं बल्कि इसको चेंज करते हैं बेटा, मैं यहां पर ले लू कॉस 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा दिस बाय दिस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बच्चों यहां पर आ जाएगा r बाय p। ओके, r बाय p बच्चों tan 60 डिग्री की ही वैल्यू आती है 1/2, इसका मतलब p की वैल्यू निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ r के बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ r के इक्वल आ गया। इट मींस बच्चों यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों ये सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, कौन सा ऐसा सेट है जिसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। इस तरह के सवाल को सॉल्व करना मैंने आपको बताया, जैसे ऑप्शन ये को चलो चेक करते हैं 2, 3 एंड 4, ये है, इसमें कोई भी दो उठा लो बेटा, इन दोनों के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू निकालो और इन दोनों के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, पहले दो का रिजल्टेंट तो 1 और 5 के बीच में होगा, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस और सम के बीच में लाई करेगा, इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम। ये अगर अगला वाला इस रेंज में आया, अगला वाला बच्चों इस रेंज में आया, 1 और 5 के बीच आया या बराबरी पे आया, तब तो 0 रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो 4 को मैं देख रहा हूं इसी रेंज में है तो यहां 0 रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, लेकिन सवाल पूछा कहां नहीं पॉसिबल होगा। ऐसे ही आप चेक करोगे ऑप्शन बी, ऐसे ही आप चेक करोगे ऑप्शन सी, तो पता चलेगा ए बी सी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूं ऑप्शन डी 1, 2, 4। मेरे प्यारे बच्चों 1 और 2 का मिनिमम निकालें तो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आएगा, मींस 1 आ जाएगा, और यहां पर दोनों का मैक्सिमम निकालें तो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाएगा, मींस यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 3, 1 और 3। अगर अगला वाला 1 और 3 के बीच में है तो 0 रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। मैं देख रहा हूं 3 से भी ज्यादा है, मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो यहां के अंदर 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा बच्चों।
और जिसमें नहीं पॉसिबल होगा वही हमारा करेक्ट चॉइस बन जाएगा। यही तो पूछा है कहां पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा गया है दी वेक्टर पी इक्वल टू दिस मच। एक वेक्टर यहां के अंदर दिया वेक्टर पी इक्वल टू ए इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस 3 times ऑफ के कैप। और एक वेक्टर क्यू कोई दिया है बच्चों, वेक्टर क्यू दिस इज ए इंटू आई कैप माइनस 2 into j cap माइनस k cap ऐसे और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कहा गया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ये क्या होगा। बच्चों अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये बात पक्का है कि इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए जाऊं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, इनका रिजल्ट जीरो आना चाहिए। अच्छा निकाल के देखें कितना आएगा, निकाल के देखते हैं तो ये इंटू ए यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट इंटू जे का कोएफिशिएंट माइनस हमारे पास आ गया 2a का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट को अगले k के कोएफिशिएंट से माइनस यहां के अंदर प्लस 3 into -1 यानी -3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये रिजल्ट हमारे पास जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि यहां के अंदर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 degree है। मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माफ करेगा, यहां ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये गलती से आ गया है, यहां के अंदर माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब यहां फैक्टर बनाना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं ये स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। देखो मामला बैलेंस हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के सिमिलर आ जाएगा और यहां पर बच्चों इन दोनों को सम करने पर ओवरऑल यही आ जाएगा माइनस 2a। देखिए यहां से इन दोनों में से बच्चों a को मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा a माइनस 3, यहां में कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूं बचेगा 1 - 3। ये माइनस 3 को बेटा मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा, यहां से बच रहा है ये और यहां से बच रहा है प्लस 1, ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये की दो वैल्यू यहां पॉसिबल है, एक तो यहां के अंदर अगर ये माइनस 3 को मैं जीरो करता हूं तो ये की वैल्यू बेटा यहां के अंदर आ जाएगा 3। अगर मैं बच्चों यहां पर ये प्लस 1 को जीरो करता हूं तो यहां के लिए हमारे पास ये की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। उसने कहा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ये क्या होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ये यहां के अंदर जाके देखें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 3, मतलब हमारा करेक्ट चॉइस जो होगा वो होगा ऑप्शन ये। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। देखें क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 में बेटा हमसे कहा गया है टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट वेक्टर ए प्लस बी इज इन द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर ए माइनस बी। बेटा उसने कहा है दो वेक्टर इस तरह से हैं ए बी कि उनका सम और उनका डिफरेंस ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ही दिशा में ही एक ही डायरेक्शन में। हमसे कहा गया बताइए तो क्या बात सही होगा। देखो बेटा यहां पर वेक्टर ए प्लस बी, मान लो वेक्टर ए को मैं ऐसे दिखाऊं और वेक्टर बी को मैं ऐसे दिखाऊं, बी को मैं छोटा मान लूं, मैं ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का। तो ऐसे केस में दोनों सेम डायरेक्शन में मैंने माना, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि यहां पर हमें चेक करना क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ये बड़ा है बी से कि नहीं है क्या है। तो देखिए अगर इस केस में मैं ए प्लस बी निकालूं तो ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन सेम, तो ए प्लस बी की डायरेक्शन सेम। अगर मैं इस केस में ये माइनस बी निकालूं तो ये ऐसे है, बी माइनस करूंगा तो पीछे चला जाएगा, लेकिन क्योंकि ये का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है तो ये माइनस बी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इधर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझो, ये माइनस बी
लेकिन बी छोटा है तो रिजल्टेंट तो ए के साइड ही आएगा ना। तो ये प्लस बी और ये माइनस बी को उसने कहा है सेम डायरेक्शन में है, यहां सेटिस्फाई हो रहा मामला, ठीक है। यहां पे बच्चों मान लो सिचुएशन ऐसे रहा हो कि वेक्टर ये हमारा यहां रहा हो और वेक्टर बी हमारा यहां रहा, इन दोनों का अगर मैं निकालूं ए प्लस बी, इस केस में निकालता हूं ये प्लस बी, तो ये प्लस बी वही आएगा जो यहां ये माइनस बी का आया था। देखो ये बड़ा है बी छोटा है, ये प्लस बी करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा इनफैक्ट माइनस होकर के आएगा ये, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहां पर हमारे पास ये प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा इस केस में ऐसे होगा जितना यहां ऐसे बना था, ये अलग सिचुएशन हो गया, ये अलग दिखा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों इस केस में अगर ये माइनस बी ये माइनस बी करूंगा तो फिर वहां जो ये प्लस बी पे मिला था वही चीज मुझे यहां मिल जाएगा, यहां ये माइनस बी में। तो आप देखो यहां ये प्लस बी और ये माइनस बी की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं ये चेक करने जाऊं, चलो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि वेक्टर ये जो हमारा है वेक्टर ये बेटा ऐसे है और वेक्टर बी जो हमारा है वो ऐसे है, इस बार मैंने बी को बड़ा मान लिया ये को छोटा मान लिया, तो ये प्लस बी की जो डायरेक्शन होगी वो तो इधर ही आएगी, ये बेटा ये प्लस बी तो उधर ही आएगा। लेकिन अगर ये माइनस बी करूंगा ये माइनस बी, तो क्योंकि बी बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर बड़े के डायरेक्शन में चला जाएगा, यहां पर बच्चों ये माइनस बी इधर चला जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। यहां पर इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ये सिचुएशन मानू बी ग्रेटर देन ये मानू, तो यहां पर बच्चों ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, यहां के अंदर बच्चों दोनों की डायरेक्शन ये प्लस बी और ये माइनस बी की डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन सवाल ने कहा है वेक्टर ये प्लस बी और वेक्टर ये माइनस बी एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहां के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये सिचुएशन नहीं हो सकता। मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों होंगे या अपोजिट में होंगे, इन दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं, और ये की वैल्यू ये का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा होना चाहिए, तो ए और बी दोनों सही हैं। सी में का बोथ ए एंड बी मस्ट बी साइमल्टेनियसली ट्रू, यहां के लिए बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ये दोनों ही बातें सही है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो हो मतलब दोनों या तो एक अलॉन्ग हो या फिर अपोजिट हो, यहां पर ये ग्रेटर देन बी भी होना जरूरी है, तो यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। बच्चों ये आ गया क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 नहीं बल्कि 33 है ये। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कहा गया है पोजीशन वेक्टर आप P एंड Q, P और Q दो पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर हमको दिए गए हैं। हमसे कहा गया है अगर P और Q के पोजीशन वेक्टर इतने इतने हो तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझो बेटा ये मेरे पास रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, यहां पर पॉइंट P है यहां पॉइंट Q है, तो वेक्टर PQ यूं है, ये रहा P और ये रहा Q, वेक्टर PQ ऐसे हो गए। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P और ये बेटा यहां के लिए रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q सपोज करिए R2। सवाल में R1 और R2 आपको दे रखा है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और Q पॉइंट का ये है, तो ये PQ जो रहा ना बेटा PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा रहा, ठीक है, PQ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जैसा रहा, इसका मतलब यहां के अंदर PQ इक्वल टू होगा, वेक्टर PQ इक्वल टू होगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेक्टर PQ इक्वल टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अगर ये काम हम करेंगे तो यहां के अंदर फाइनल पॉइंट 3i कैप माइनस 2i कैप, यहां पर बच्चों ये मेरे पास हो गया आई कैप माइनस 4i कैप, माफ करिएगा माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, तो यहां के अंदर हो जाएगा माइनस 7 times j कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप 2k कैप माइनस माइनस k कैप, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 3 times k कैप ऐसे। यहां पर हमें बताना है वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बेटा PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर मींस -7 का स्क्वायर, के के कोफिशियंट का स्क्वायर मतलब बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया +49 और यहां के अंदर हो गया 9, ये आ जाएगा बेटा सब मिला जुला के स्क्वायर रूट के अंदर 59। तो इसका करेक्ट चॉइस जो होगा स्क्वायर रूट 59 मींस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग वेक्टर दिस, जब किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी अदर वेक्टर के अलोंग लेना होता है, सपोज करिए यहां पर ये मेरे पास रहा वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, इस वेक्टर के अलोंग चाहिए, तो जिस वेक्टर के अलोंग चाहिए इसको मैं मान लेता हूं बी और जिस वेक्टर का चाहिए उसको मैं मान लेता हूं ये, मींस हमारा वेक्टर ये यहां पर हो गया और जिसके अलांग चाहिए वेक्टर बी ये वाला हो गया। वेक्टर ये का कंपोनेंट बी के अलांग निकालना है, अगर इनके बीच एंगल थीटा है तो सही बात ये है, ये का कंपोनेंट बी के अलांग निकालने का मतलब हुआ हमें बच्चों निकालना है यहां के अंदर ये कॉस थीटा। सब लोग देखो यहां पर ऐसा करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं, यहां पर हो गया ए डॉट बी इक्वल टू बच्चों आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये का बी के अलांग, तो यहां पर हमें बचाना है ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा ये कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी अगर हम करेंगे तो आई कैप का टू आई कैप से 1 × 2 हो गया, यहां के अंदर आ गया 2। ओके जे कैप -3 जे कैप माइनस ऑफ जे कैप -3 × -1 + 3, के कैप का के कैप से 1 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, मींस यहां के अंदर आ गया 4। ओके मेरे प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बेटा ध्यान से देखो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों यहां के अंदर आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर +1 और यहां पर 4 का स्क्वायर 16, सब हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बच्चों किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल हमें मालूम है तो एरिया इक्वल टू होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हाफ इंटू उन डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लेंगे और जो भी आएगा उसको हाफ कर देंगे बच्चों, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों ऑथेंटिकली निकल कर आ जाएगा। देखें अब d1 क्रॉस d2 अगर हमें करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, d1 क्रॉस d2 दिस विल बी इक्वल टू आई जे के आई। देखते हैं पहले के पास गए उसमें आई का कोएफिशिएंट मेरे ख्याल से 3 है, अगले में गए यहां के अंदर बच्चों आई का कोएफिशिएंट पहले में जाके मैंने देखा तो यहां के अंदर 3 था, मैंने 3 लिखा। जे का कोएफिशिएंट 2 है, के का कोएफिशिएंट माफ करिएगा हाँ के का कोएफिशिएंट -7 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, आई का कोएफिशिएंट 3 है, जे का 2 है, के का -7 है, आई का यहां के अंदर 3 है। अगले में देखें आई का कोएफिशिएंट बेटा 5 है, यहां जे का कोएफिशिएंट 6 है, के का -3 है और यहां पर आई का वापस लिखेंगे 5, सॉल्व करेंगे आंसर निकालेंगे। बच्चों यहां के लिए इसको सॉल्व करके अगर आंसर निकालें तो ये हो जाएगा आई कैप, यहां पर एरो लगाएंगे -6 दिस इंटू दिस -6 माइनस यहां पर बच्चों 6 × 7 = 42 माइनस में आया, एक बार फिर माइनस किया प्लस हो गया 42। ठीक है बेटा
यहां के अंदर फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस जे कैप, तीन स्टेप में है तो यहां प्लस लगाएंगे, तीन नहीं चार स्टेप में है तो यहां प्लस लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जे कैप फिर ये वाला ये रोलेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 35, दिस इंटू दिस माइनस ऑफ 35 माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां हो गया प्लस 9, माइनस माइनस 9 मीन्स प्लस 9। ओके, यहां पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा प्लस के कैप, के कैप यहां के अंदर बच्चों के कैप हमारे पास यहां है, ये वाला ये रोलेंगे, यहां पर हो गए 18 माइनस ऑफ 10। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, d1 क्रॉस d2 निकालने का प्रयास करेंगे, तो d1 क्रॉस d2 जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 42 में से 2 निकल गया 40 और यहां 42 में से 6 निकाल देते हैं 36 बचेगा, 36 आई कैप। यहां के अंदर बच्चों इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस 35 प्लस 9 यहां आ जाएगा माइनस ऑफ 26 मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया माइनस ऑफ 26 टाइम्स ऑफ जे कैप। इसी तरह यहां पर सॉल्व करेंगे प्लस 8 टाइम्स ऑफ के कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं d1 क्रॉस d2 तो क्या होगा, आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 36 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, प्लस माइनस 26 का स्क्वायर प्लस बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा 8 का स्क्वायर जो कि होगा 64, चलो ऐसे लिख देता हूं 8 का स्क्वायर। ये सब आप लोग सॉल्व करिएगा, जब यहां पर एरिया निकालने की बात होगी कि भैया एरिया कितना, ये देखिए एरिया कितना, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग यही करेंगे हाफ ऑफ दिस मच जो भी आया होगा d1 क्रॉस d2, यहां निकालने पर चलो कुछ ना कुछ मिला होगा d1 क्रॉस d2, जो भी वैल्यू मिलेगा बच्चों यहां पर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 45 पॉइंट समथिंग कुछ मिलता है और ये पूरा कैलकुलेशन करने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 22.56 मिलेगा, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा भाग जो करना है मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब कर लीजिएगा, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये था बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 35 का, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बच्चों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या कहा गया है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5, दो फोर्स हैं बेटा, एक को मैंने मान लिया F1, तो F1 का जो मैग्नीट्यूड है और अगले को मान लिया F2, सवाल के अनुसार कह रहा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 का है, मतलब F1 को अगर मैं 3x मानूं तो F2 हमारे पास क्या होगा 5x, इस रेशियो के हिसाब से तो ही बना, गिव द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाता है तो रिजल्टेंट यहां 35 न्यूटन आता है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री रहा हो, तो आपसे पूछा है कि यहां इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स क्या रहे होंगे, बच्चों देखते हैं, यहां पे दो वेक्टर F1 और F2, मेरे प्यारे बच्चों F1 और F2 की बात हो रही है, F2 ये रहा, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री, रिजल्टेंट निकालने की बात हो रही है, रिजल्टेंट निकालने के लिए जाएंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का रिजल्टेंट इक्वल टू, यहां पे बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर इन द सेंस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3x का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर मतलब बच्चों मैं लिख रहा हूं 5x का स्क्वायर, F1 को 3x मैंने माना है, F2 को 5x माना है, प्लस यहां के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1 into F2, F1 के जगह पर 3x और F2 के जगह पर बच्चों 5x into यहां के अंदर आ जाएगा cos कितना डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके मेरे प्यारे बच्चों,
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 9x² + 5x² यहाँ प्लस 25x, माफ करिएगा प्लस 25x², तो ये आ गया 25 + 9, ये हो गया 34 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां के अंदर ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 3 × 5, ये हो गया बेटा 32 × 3 × 5, ये हो जाएगा आपका 30 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 34x² और इसको कट करेंगे 15 आ गया 34x² + 15, यहां के अंदर 34 और 15 को अगर मैं प्लस करूं तो आ जाएगा 49 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हो गया 7x, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया f1 वेक्टर + f2 वेक्टर बेटा ये आपका आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एक्स। और ये वैल्यू जो हमारे पास एक दिया है कि रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 35 न्यूटन है, मतलब 7x = क्या हो गया 35, इसका मतलब x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 5, ठीक है, x की वैल्यू 5। अब वापस आते हैं, पहला फोर्स जो हमारे पास होगा f1 वो आ जाएगा 3x, f1 3x आ गया, 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब 5, ये हो गया 15 न्यूटन। दूसरा फोर्स जो हमारे पास f2 है बेटा ये कितना होगा समझना है, ये आपका आ जाएगा 5 × x, x की जगह 5, तो आ जाएगा 25 न्यूटन, तो इसका आंसर हो गया 15 न्यूटन, इसका आंसर हो गया बच्चों 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। 15 न्यूटन और 25 न्यूटन का कॉम्बिनेशन मुझे ऑप्शन ए में दिख गया बेटा, यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। देखिए बेटा अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 में हमसे कहा गया है अ वेक्टर, कोई सा एक वेक्टर है ये, आप मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, कोई वेक्टर है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 2 यूनिट के बराबर है, बहुत बढ़िया, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, यहां पे दो वेक्टर, कोई सा वेक्टर है, फिर से सुनिए, वेक्टर ये ऑफ मैग्नीट्यूड 2 लाइज इन एक्स वाई प्लेन, इट इज इंक्लाइंड 30° विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 60° विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में है ये बेटा, एक्स रहा ये वाई रहा, ये वाई रहा, जो वेक्टर हमारा है वो एक्स वाई प्लेन में एक्स से 30° बना रहा है और वाई से ऑब्वियसली 60° बना रहा होगा जो कि यहां के अंदर लिखा गया है, ठीक है। दूसरा वेक्टर कोई सा है यहां के अंदर बच्चों विथ पॉजिटिव 60°, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2, ये दिया गया है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। दूसरा वेक्टर जो है उसको कह रहा हूं निगेटिव एक्स के अलांग, निगेटिव वाई के अलांग है, यानी अगला वेक्टर जो रहा होगा निगेटिव वाई यहां है उसके अलांग है, ऐसे कहीं रहा होगा, इसका नाम बी है और इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया गया 5, वो निगेटिव वाई के अलांग है, तो कहा गया है बताइए डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट अगर लेने के लिए जाएंगे बेटा तो ये डॉट बी हम निकालेंगे, ये डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब यहां से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो ये और बी के बीच का ओवरऑल एंगल 90, यहां 30, यहां यानी कि 90 + 30 यानी कि 120°, ठीक है बेटा। यहां के अंदर ये का वैल्यू 2 दिया है, बी का वैल्यू 5 दिया है, पास 120° की वैल्यू -1/2, यहां से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 अगर यहां से कैंसिल हो जाता है तो यहां के अंदर आंसर मिलेगा -5, यानी कि वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी ये बच्चों हमारे पास आ गया यहां पर -5 के बराबर, ये रहा यहां के लिए रिजल्ट, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल हमारा ऐसे है, इफ वेक्टर ये इक्वल टू, एक वेक्टर दिया है ऐसे लिख रहा है, वेक्टर ये
इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे टाइम्स ऑफ, बस इतना ही, माइनस जे प्लस टू टाइम्स ऑफ के कैप। दूसरा वेक्टर कोई सा है, वेक्टर बी, दिस इज टू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस टू टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप, ऐसे। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बताया गया है सेम है, जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ये का है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने की बात कही गई है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो सिंपली हम लोग लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालें जरा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस एन स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वन ही आएगा, प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर फोर आ जाएगा, टू का स्क्वायर विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो गया फोर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बच्चों यहां के अंदर आ गया फोर, और के का कोएफिशिएंट माइनस वन है का स्क्वायर करेंगे आ गया वन। यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, यहां से बनेगा एन स्क्वायर प्लस ऑफ फाइव, एन स्क्वायर प्लस ऑफ फाइव इक्वल टू, इधर से आ गया बच्चों, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहां पर आ गया नाइन। ओके, सॉल्व किया, एन स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा फोर, यानी एन की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर फोर मीन्स क्या आ गया, टू। तो यहां पर जो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया बच्चों, दिस इज ऑप्शन बी। ओके, इसका आंसर आएगा टू, मींस इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। यहां पर बच्चों मैग्नीट्यूड ठीक है, यहां पर अब हम लोग अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों हमको क्या कह रहा है, वेक्टर ए इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर टू, वेक्टर बी इक्वल टू सेवन, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस, कहा गया एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, ये सवाल है बच्चों। देखो वेक्टर ए बी आपको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस इस तरह से आई जे के फॉर्मेट में दिया गया है, तो आपसे पूछा ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर मैं ये क्रॉस बी निकालने के लिए जाऊं और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा ए बी साइन थीटा, और अगर मैं ये क्रॉस बी डायरेक्ट दिया यहां से मैग्नीट्यूड निकालूं, तो यही मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा, ए क्रॉस बी डायरेक्टली हमको दिया है, यहां के अंदर हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस बच्चों यहां थ्री टाइम्स ऑफ, माफ करेगा क्या मैंने लिख दिया, यहां के अंदर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड यहां पर हो जाएगा टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर मीन्स फोर, सिक्स का स्क्वायर मीन्स 36 और थ्री का स्क्वायर मीन्स बच्चों नाइन हो गया। इस सवाल में ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया है स्क्वायर रूट के अंदर टू, बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया बेटा सेवन इंटू साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 49 मीन्स बच्चों आ गया सेवन, ये वाला सेवन यहां से हो गया कैंसिल, और इस तरह से बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा वन बाई स्क्वायर रूट के अंदर टू। अगर साइन थीटा बेटा वन बाई स्क्वायर रूट टू आया, तो ये पक्का है थीटा की वैल्यू यहां पे आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मीन्स करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन ये, ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। हमसे कहा गया है वेक्टर ये इक्वल टू दिस मच, कोई वेक्टर दिया है ये जो कि लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोजाइंस यहां क्या होगा, जो वेक्टर उन्होंने हमको दिए हैं ऐसे लिखा, थ्री टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस टू टाइम्स ऑफ के कैप। डायरेक्शन कोजाइंस पूछने का मतलब वो हमसे पूछ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा
और कॉस गामा, ये तीन चीजें पूछा गया है। कॉस अल्फा की वैल्यू होगा ये एक्स डिवाइडेड बाई ये, कॉस बीटा का वैल्यू होगा ये वाई डिवाइडेड बाई ये, कॉस गामा की वैल्यू होगा बेटा ये जेड डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर बेटा आ जाएगा ये। देखो ये एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स जो हमारे पास है वो देखा जा सकता थ्री है, और ये का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने का प्रयास करूं तो सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट में थ्री का स्क्वायर मीन्स नाइन, सिक्स का स्क्वायर मीन्स 36, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, ये निकालने पर आ जाएगा सेवन। तो बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गया थ्री बाई सेवन, कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा ये वाई जो कि सिक्स है बाई सेवन, और ये जेड की वैल्यू आ जाएगा माइनस टू बाई सेवन। इसका आंसर हो गया थ्री बाई सेवन, सिक्स बाई सेवन एंड माइनस आप टू बाई सेवन। मेरे प्यारे बच्चों यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बच्चों अगला सवाल आप लोग देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। कहा गया थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर सोन, ये वेक्टर ऐसे कुछ दिया है, बी ऐसे दिया है, सी ऐसे ऊपर की तरफ है वर्टिकली, दो कॉलम बने हैं। यहां कॉलम नंबर वन में यह वेक्टर को प्लस माइनस करके दिखाया गया, और उस कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा राइट में जो कॉलम बना है, कहां से वो कनेक्ट होगा ये करना है। तो देखो बेटा पहले में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जरा पॉलीगन मेथड को ट्राई करते हैं। वेक्टर ये हमारा ऐसे सीधा है, ये देखिए वेक्टर ये हमारे पास बच्चों ऐसे थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी, अगर हम पॉलीगन मेथड ट्राई कर रहे हैं तो वेक्टर बी को ट्रांसलेट करके यहां लाएंगे सीधा, इसके टेल से इसके हेड से वेक्टर बी को मिला देंगे। वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बच्चों प्लस वेक्टर सी हमारे पास जो होगा वो यहां कहीं होगा, ये प्लस बी प्लस सी, रिजल्टिंग वेक्टर हमारा ऐसे कुछ आएगा, रिजल्टिंग वेक्टर बच्चों जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा समवॉट लाइक दिस। तो आप देख रहे हो ये यहां से मैच कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट की जो मैचिंग हुई वो पी से हुई, फर्स्ट की मैचिंग मैंने पी से करा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे में कहा ये माइनस बी माइनस सी, ये जैसे था वैसे उठा लाते हैं, ये माइनस बी, ये देखो ये वेक्टर मैं यहां रख लेता हूं माइनस बी, अगर बी कहता तो मैं ऐसे बनाता, माइनस बी कर रहा तो बी अगर ऐसे होता तो माइनस बी अपोजिट कर देता हूं। बच्चों यहां के अंदर बी को मैं अपोजिट कर देता हूं, ये मेरे पास आ गया माइनस बी माइनस बी, और यहां के अंदर बच्चों माइनस सी, सी कहता तो मैं ऐसे ले जाता, उसने माइनस सी कहा है तो माइनस सी कहने का मतलब मैं यहां ले आया, ये हो गया माइनस सी। अब यहां पर इनिशियल से फाइनल को मिलाऊं तो वेक्टर हमारा कुछ इस तरह का मिलेगा, वेक्टर बेटा कुछ इस तरह का लगभग 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 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जैसे पहले आया था, ये था वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ये प्लस ऑफ, प्लस नहीं बल्कि माइनस, यहां के अंदर आ गया वेक्टर ये माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर सी, ओके। तो ये वाला देखिए, ये वाली मैचिंग यहां से हो गई, इसका मतलब सीधा सीधा यहां का मैचिंग क्यू से करा देना है। अगला देखते हैं, अगला क्या सिचुएशन बन रहा है जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सी माइनस ये सी देखिए यहां पे है, ऐसे बना देता हूं, ये रहा आपका वेक्टर सी माइनस ये, अगर प्लस ये करता तो ये को ऐसे जोड़ता, माइनस ये कर रहा तो माइनस ये हमारा ऐसे आ गया, सी माइनस ये हमारा ये वाला वेक्टर होगा बेटा, ऐसे करके कहीं आएगा सी माइनस ये, ऐसे करके यस से मैचिंग इसका हुआ, इसका मतलब ये आपका आ गया सी माइनस ये, इसका मैचिंग बच्चों यस से हो गया। अब एक ही बचा है माइनस ये माइनस बी, उसको भी ऐसे मैच कराइएगा आप तो देखते हैं कौन सा यहां के अंदर ऑप्शन बन रहा है। ऑब्वियसली एक ही बचा तो ये यहां से मैच कर रहा होगा, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। यहां के लिए पहले फर्स्ट का मैचिंग पी से, फर्स्ट का मैचिंग पी से तीन ऑप्शन में है, सेकंड का मैचिंग क्यू से दो ऑप्शन में है, ये गया ये गया। यहां का बच्चों थर्ड का मैचिंग यस से है, थर्ड का मैचिंग यस से मुझे यहां दिखा,
थर्ड का मैचिंग, यहां तक की कहानी तो स्पष्ट है, थर्ड की मैचिंग यस से और फोर्थ की मैचिंग आर से, यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कहा गया है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी, यहां वेक्टर पी के कंपोनेंट की बात कहा है, उसने कहा है वेक्टर पी का कंपोनेंट कॉलम बना के दिया है, यलांग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के यलांग बेटा वेक्टर पी को देखे लिखा क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा सब लोग देखो। क्वेश्चन पी को उसने लिखा, माफ करेगा, वेक्टर पी को लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, देखो वेक्टर पी में वाई के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग कितना कंपोनेंट होगा, तो वो 4 होगा, यानी कि वाई के अलांग कंपोनेंट 4 आएगा, यानी कि फर्स्ट की मैचिंग क्यू से होने वाला है, फर्स्ट का मैचिंग बच्चों क्यू से हो गया। ठीक है, ओके, अब मैं एक काम कराता हूं, ऐसे दो ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का मैचिंग क्यू से हो रहा है, तो ये दो पॉसिबिलिटी यहीं पर खत्म। अब जल्दी से कैसे काम करेंगे, यहां पर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो इसका फोर्थ यस से, इसका भी फोर्थ यस से, ऑप्शन थर्ड में देखूं तो यहां पर बच्चों ये डिफर कर रहा, तो थर्ड को चेक करते हैं, ये वाला थर्ड का ऑप्शन नहीं बल्कि थर्ड वाला कॉम्बिनेशन ये वाला चेक करते हैं, इसमें अलग आ रहा है, ए और सी में से एक होना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही जा रहा है। वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट अगर ये वाले थर्ड को पहले चेक कर लेते हैं, इसके अलांग निकाला जाए, इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर क्यू हो, इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वेक्टर क्यू हो, तो देखो वेक्टर क्यू इक्वल टू हो गया 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। बेटा देखो अगर मैं p डॉट q यहां निकालूं, उसने कहा है इसका कंपोनेंट इसके अलांग, थर्ड वाला चेक कर रहा हूं, तो देखो बेटा हमें पता करना है p डॉट q ऐसे निकालें अगर, तो ये होगा pq cos थीटा। अगर मैं p का कंपोनेंट q के अलांग निकालने जा रहा हूं, मींस मैं निकाल रहा हूं p cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू p डॉट q डिवाइडेड बाई यहां के अंदर q का मैग्नीट्यूड। p डॉट q निकालता हूं, p डॉट q यहां के अंदर आ जाएगा p cos थीटा इक्वल टू 6 × 3 18 हो गया, यहां के अंदर बच्चों 4 × 8 32 हो जाएगा, 32 हो गया, और यहां के अंदर बच्चों -10 × -5 यहां के अंदर आ जाएगा प्लस 50। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय q का मैग्नीट्यूड। बेटा q का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, देखते हैं q का जो मैग्नीट्यूड यहां के अंदर होगा, q इज दिस, यहां के अंदर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर बच्चों यहां 64, और -10 का स्क्वायर हो जाएगा +100। ओके, इसको सॉल्व करें, ऊपर आप देख सकते हैं 18 प्लस 32 जो कि हो गया 50 प्लस 50, ये हो गया 100, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा यहां के अंदर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर रूट के अंदर 2, यानी 10 बाई यहां के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। यहां तो सारे सीधे सीधे दिए हुए हैं, तो बेटा जीरो तो आया नहीं, यहां पर इसका मतलब थर्ड की मैचिंग यस से होगा, कोई नहीं मैच कर रहा, ना तो पहला मैच कर रहा, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, यहां के अंदर यहां यस से मैचिंग होगा, थर्ड का मैचिंग, इन्हीं दोनों में कंपटीशन था, यस से हो गया, इसका मतलब करेक्ट चॉइस बन गया ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी आप ऐसे मैच करा के देखिएगा, करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया बच्चों ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 44 नंबर, इसमें कहा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू। बेटा अगर दो वेक्टर पी और क्यू में एज्यूम करूं, तो पी
प्लस क्यू और पी क्रॉस क्यू, बेटा मैं पी इसको मान लेता हूं, थोड़ा सा समझाना आसान रहेगा, पी इसको मान लेता हूं, क्यू इसको मान लेता हूं, पी प्लस क्यू इसके बीच में से कहीं ना कहीं से होके जाएगा, पी प्लस क्यू उसी प्लेन में होगा जिसमें पी और क्यू है, लेकिन पी क्रॉस क्यू उस प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों, पी क्रॉस क्यू फिलहाल यहां क्या हो गया, आउटवर्ड। तो पी प्लस क्यू जो कि आउटवर्ड जा रहा है, पी क्रॉस क्यू माफ करेगा, पी क्रॉस क्यू जो कि आउटवर्ड जा रहा है और पी प्लस क्यू जो कि उसी प्लेन में है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब पी प्लस क्यू और पी क्रॉस क्यू इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर हम एंगल देखें तो 90 डिग्री होगा, मीन्स यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा पाई बाई टू रेडियन। आंसर में जाके देखूं तो पाई बाई टू एक आंसर दिख रहा है, यहां के लिए ऑप्शन हो गया बी, ठीक है, ओके बेटा। चलते हैं अगले सवाल पे। बच्चों यहां पर वही सवाल फिर से आ गया है, 44 ये भी था और 44 यहां पर ये भी है, यानी 44 दो बार प्रिंट हो गया है, इसका मतलब हम लोग 43 मिस कर रहे हैं, 43 मिस कर रहे हैं, ओके 43 अभी देख लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या था 43 नंबर क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले 40 चलते हैं 45 पे, ओके 45 यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 को आप लोग देखो, करा वेक्टर ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट, यहां के अंदर बच्चों ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर हैं, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, हमसे कहा गया है कि यहां के अंदर 3 यूनिट वेक्टर, मतलब पहली बात तो ये पता चला ये हो बी हो सी हो ये सब यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और 1 होगा, सबका रिजल्टेंट 0 है, ए प्लस बी प्लस सी इन सबका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, मतलब ये हुआ कि यहां के अंदर बच्चों ए बी सी ए जो वेक्टर है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0 आने का मतलब मैग्नीट्यूड सबके सेम है, क्योंकि 3 ही वेक्टर हैं और रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो पक्का है कोप्लेनर ही रहे होंगे, 3D का केस तो यहां बन ही नहीं सकता है। तो वो जो कंडीशन होता था जो कई बार रिपीट हो चुका, अगर कई सारे वेक्टर ऐसे लाई करें सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, यहां पर सभी कोप्लेनर हो जो कि है यहां, और कंजुगेटिव 2 के बीच का एंगल सेम हो, तो सबका रिजल्टेंट क्या आता है 0 जो कि यहां आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट किए होंगे ए बी और सी, ये तीनों वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट किए होंगे, 120 120 120 एंगल रहा होगा। हमसे पूछा है सर आप ये बताइए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस यहां के अंदर सी डॉट ए क्या होगा, देखते हैं। ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस 120, बी डॉट सी का मतलब बी सी कॉस 120, यहां पर बच्चों सी डॉट ए का मतलब सी ए कॉस 120। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये जो रिजल्ट फाइनली हमें मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, ऐसे ही तीनों है। यहां पर बच्चों ये इतना ये भी आएगा इतना ये भी आएगा, तो इतना इंटू 3 कर देते हैं, सही जवाब इसके लिए हो गया -1/3, अब माफ करेगा -3/2, इसका जो सही जवाब होगा -3/2, और -3/2 देखिए यहां चमक रहा है, करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया बच्चों ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चों थोड़ा पानी पी ले। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया है ए बी सी, यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं बेटा, ए बी सी इस तरह से हैं, वो सिंपल सा बात कर रहा कि ए प्लस बी माइनस ऑफ वेक्टर सी दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसका मतलब हुआ बच्चों ए प्लस बी शुड बी सेम एज वेक्टर सी, क्योंकि 0 वेक्टर को प्लस माइनस करने से फर्क पड़ना नहीं। यहां के अंदर अगर दोनों साइड का मैग्नीट्यूड मैं लेने जाऊं तो
तो यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए बी को ए बी सी को यूनिट वेक्टर कहा है, तो ए स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, ए का मतलब वन, बी का मतलब वन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो कि वन होगा क्योंकि वेक्टर सी भी एक यूनिट वेक्टर है। बेटा इसको हम सॉल्व करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यहां आ जाएगा वन प्लस वन टू प्लस टू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वन। इसका मतलब टू कॉस थीटा बच्चों यहां पर निकल कर हमारे पास आ गया माइनस ऑफ वन, कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों माइनस वन बाई टू, मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ 120 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ के लिए 120 डिग्री इन दी सेंस 2 पाई बाई 3 रेडियन, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ओके, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए आप लोग, कह रहा ए बी सी, ए बी सी नहीं बल्कि ए और बी दो वेक्टर इस तरह से हैं कि वो कह रहा है बेटा वेक्टर ए प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और दूसरा वेक्टर बोल रहा फाइव टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस फोर टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। कह रहा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर बेटा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो आए, डॉट प्रोडक्ट जीरो आया। अब यहां से देखो ये का डॉट प्रोडक्ट फाइव ए से, ये हो जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ ए डॉट ए मीन्स ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट माइनस फोर बी से, तो प्लस नहीं बल्कि यहां माइनस आ जाएगा, माइनस फोर टाइम्स ऑफ बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा ए डॉट बी, टू बी का फाइव ए से, तो यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ टेन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होने हैं, 2b का 4 माइनस 4b से माइनस आ जाएगा 8b स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट लेने पर ऐसा कुछ इक्वल टू जीरो। ओके, यहां पर बच्चों ये मेरे पास क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यहां हो गया 5 into 1 का स्क्वायर मींस 5, 4a डॉट b माइनस 4a डॉट b प्लस 10a डॉट b, तो ये हो गया प्लस 6 टाइम्स ऑफ ये डॉट b माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। अच्छा, b क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसलिए सिंपली यहां 8 हो गया इक्वल टू जीरो। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिक्स टाइम्स ऑफ यहां पर सिक्स टाइम्स ऑफ ए डॉट ऑफ बी इक्वल टू माइनस थ्री उधर गया प्लस थ्री हो गया। बच्चों ये डॉट बी ये मेरे पास आ जाएगा वन बाई टू मीन्स ए बी कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू मीन्स बच्चों वन इंटू वन क्योंकि यूनिट वेक्टर है इंटू कॉस थीटा दिस मीन्स वन बाई टू। सीधा सा जवाब मिला सर, कॉस थीटा वन बाई टू आएगा तो थीटा की वैल्यू यहां के अंदर 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो इस सवाल का जवाब होगा 60 डिग्री मींस ऑप्शन बी यहां के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर भी है और ए के मैग्नीट्यूड के सिमिलर भी है। जैसे यहां पर बच्चों एक वेक्टर ए है, रिजल्टेंट ए और बी का सपोज यहां कहीं है, रिजल्टेंट बेटा ए और बी का मान लेते हैं यहां कहीं है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोल रहा है ए के सिमिलर है और इन दोनों के बीच में एंगल बोल रहा 90 डिग्री है, ये और बी का रिजल्टेंट आर है, ये अगर यहां है तो पक्का है बच्चों बी यहां कहीं रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट कराऊं तो रिजल्टेंट डायगोनल के सिमिलर होना चाहिए जो कि ऐसे कुछ लगभग बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये वाला आर्म यहां के बराबर है तो जो एंगल यहां आएगा वही यहां आएगा, मतलब ये 45 तो ये भी 45, ये पैरेललोग्राम बना, तो अगर ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये भी बच्चों क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से यहां भी निकालेंगे ये 90 है तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब कोई भी एक ले लो, जैसे मैं यहां गया
हमसे पूछा कि लास्ट में वेक्टर बी क्या होगा, तो बच्चों मैंने यहां पर ले लिया सपोज करिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू दिस बाय दिस, दिस का मतलब आर बाय दिस का मतलब बी, जो आर है बेटा दैट इज इक्वल टू ए, ए बाय बी हो गया, और यही क्योंकि 45 डिग्री का केस है 1/√2 आ गया, तो इस तरह से वेक्टर b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, बल्कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला सवाल हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। अगर बच्चों किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम स्वयं उसी वेक्टर के साथ लेते हैं, मान लो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हम लेने जाएं और वेक्टर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो यहाँ के अंदर बच्चों रिजल्ट आता है ए ए साइन 0 डिग्री, क्योंकि किसी वेक्टर का स्वयं उसी के साथ बनाया जाने वाला एंगल 0 डिग्री होगा, इनटू यहां के अंदर आ जाएगा एन कैप, ये बेटा एक जीरो वेक्टर के इक्विवेलेंट आता है, इतना पार्ट जीरो हो गया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर बन गया जीरो वेक्टर, तो यहां के लिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक ही बात, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेटा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 देखें, क्वेश्चन नंबर 50 को कहा गया टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट्स आर इन द रेशियो, रिजल्टेंट मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैक्सिमम और वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी का जो मिनिमम है इसका रेशियो आपको दे रखा 2/1। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, सम के रिजल्टेंट का मैक्सिमम माफ करेगा, सम के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और सम के रिजल्टेंट का मिनिमम हमें देखना है, मैक्सिमम आ जाएगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर और मिनिमम आ जाएगा दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आगे ए प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस ऑफ 2b। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस ए दैट मीन्स ये, और यहाँ के अंदर आ गया 3b, ये इक्वल टू 3b। इस तरह से बेटा हम देख पा रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ b के जगह y हो गया, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड सवाल के अनुसार y है और ये का मैग्नीट्यूड x है, तो जवाब होगा इसका x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y हमें दिख रहा बच्चों ऑप्शन ए में। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों मिस हुआ था क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ है, तो मैं अलग से इसको बता देता हूं। देखें क्वेश्चन नंबर 43 में बेटा एक सिंपल सा सवाल हमसे कहा गया है, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं देख रहा हूं, 43 में बोला गया है सर ऐसा है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हमको दिया गया दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ हुआ। मेरे प्यारे बच्चों जब ऐसा केस बनता है कि दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के डिफरेंस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के सिमिलर आए, तो ऐसे केस में ऐसे दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, हम सम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही चीज आएगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा 90 डिग्री, और करेक्ट आंसर अगर 90 डिग्री है तो इसमें मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा 90 डिग्री, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ओके, जैसा कि मैंने कहा था बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस को मैं अगले डे पे भेजूंगा, तो बेटा आज जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस थे वो मैं आपको भेजने जा रहा हूं,
होपफुली जहां भी आपकी कमजोरी रही होगी, जहां भी आप फंसे रहे होंगे सवाल को लेकर के, वो सवाल आपका अब सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, देन यू आर फ्री टू आस्क, जब मन करे आपका पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, जैसे इच्छा हो आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।